आज हम लोग चर्चा करेंगे रेस्क्यू रेमेडी के बारे में. देर इज जस्ट वन कॉम्बिनेशन मेड बाय डॉक्टर बैच फॉर इमरजेंसी सिचुएशंस. ये हर इमरजेंसी सिचुएशन में रेस्क्यू रेमेडी आपको हेल्प करती है. इट्स अ कंप्लीट फर्स्ट एड किट इन इटसेल्फ. तो अगर ये हर घर में हो, मैं चाहती हूँ कि हर घर में सब लोग इसको अपने साथ रखें, और इवन अपने साथ रखें जब ट्रेवल करें, तो जो छोटी छोटी सी समस्याएं आती हैं, थोड़ी घबराहट होती है या कोई भी परेशानी, भगवान ना करे अगर कोई चोट लगे या कुछ हो, लेकिन अदरवाइज भी जो आपकी एंजाइटी होती है, ट्रैवल सिकनेस होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है. इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रीटमेंट फॉर ट्रैवल सिकनेस, लेकिन उस समय आपको जरूर हेल्प करेगी. क्योंकि जब हमारे पास किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मेडिसिन बनाने का या कहीं से मंगाने का टाइम नहीं होता है, उस समय रेस्क्यू रेमेडी हमें बहुत मदद करती है. मैं तो हर समय हमेशा अपने साथ रखती हूँ, कहीं ट्रेवल करती हूँ तो भी मेरे पास रहती है, वहां जाके भी जिसको जरूरत है उसको दे देती हूँ. क्योंकि एंजाइटी, जब भी आप ट्रेवल करते हैं तो एंजाइटी इज अ वेरी कॉमन थिंग. हम लोग बहुत सारी चीजें लेके जाना चाह रहे थे, कुछ छूट गया था, कोई वहां पे जरूरत पड़ी वो चीज नहीं मिल रही है तो भी एकदम से परेशान हो रहे हैं. तो पहली बात तो ये समझने वाली है कि जब भी कोई इमोशन हमें परेशान कर रहा है, जिसकी वजह से अनइजीनेस या रेस्टलेसनेस हो रही है, तो आप अपनी रेस्टलेसनेस को कम कर सकते हैं रेस्क्यू रेमेडी से. And another thing is to understand that it is not a treatment. हम बात कर रहे थे rescue remedy की, कि जब भी कोई emergency condition आती है उस समय ये आपके लिए बहुत useful होती है. अगर आपके साथ में हो तो हमेशा आपको help करती है, चाहे आप kitchen में काम कर रहे हैं, आपका हाथ जल गया है या कट गया है, या फिर आप का बच्चा कहीं बाहर road पे गिर गया है, अचानक उसको चोट लग गई है, वो आया है, तो चोट वगैरह में भी आप उसको इमिजिएटली अगर रेस्क्यू रेमेडी को थोड़े से पानी में डाल के उससे, जैसे आप डेटॉल से साफ करते हैं, आप रेस्क्यू रेमेडी से साफ करें और एक कॉटन का फाहा बना के कॉटन बॉल में थोड़ा सा वो रेस्क्यू लगा के, डायरेक्टली ना लगाएं, हमेशा पानी में डिजोल्व करके लगाएं. डायरेक्टली नहीं लगाया जाएगा, हमेशा थोड़े से आधी कटोरी पानी में 7-8 ड्रॉप्स डाल लीजिए और उसमें रुई भिगा के उससे उसे क्लीन करें और वहां पर रुई को थोड़ी देर रख दें. तो जो हमारे सेल्स जो हैं वो एकदम से शॉक में आते हैं कोई भी चोट के लगने से, वो इमिजिएटली उनका शॉक रिलीज होता है एंड दे स्टार्ट हीलिंग अप देमसेल्फ्स. हमारी बॉडी में खुद ही अपने को हील करने की क्षमता है, तो वो ऑटोमेटिकली हीलिंग शुरू हो जाती है. और अगर ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर दें तो छोटी मोटी चोट पे तो आगे आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है. तो अगर डीप कट हुआ है तो ऑफ कोर्स आपको 2-4 दिन लगाना पड़ेगा, अदरवाइज वो वहीं पर हील हो जाएगा और उसका निशान भी नहीं पड़ेगा, कोई निशान नहीं पड़ेगा चोट का. मैं एक बार पहले भी किसी सेशन में बता चुकी हूँ कि मेरे माथे के ऊपर ग्लास डोर गिर गया था, पूरा अलमेरा साफ करते वक्त ग्लास डोर निकल के पूरा मेरे माथे पे गिर गया था, यहाँ पे कट हुआ और स्वेलिंग भी आई, और इमिजिएटली आई जस्ट इंजेस्टेड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेस्क्यू रेमेडी, थोड़ा सा मैंने पी और थोड़ा सा वही पानी में लेके मैंने यहाँ पर लगाया. उसको मैं 15-20 मिनट तक लगाती रही क्योंकि जोर से चोट लगी थी, ग्लास लगने से आप सोच सकते हैं. तो और वो मैंने 2 दिन शायद सिर्फ ऐसा किया, तो जो भी फूल के जो गोला पड़ा था और जो ब्लड निकला था पूरा निशान भी गायब हो गया और बिल्कुल चोट ठीक हो गई 2-3 दिन के अंदर, एकदम इट वाज टोटली हील. कोई भी और सिस्टम से अगर आप अपनी चोट को हील करते हैं तो आपको टाइम लगता है हील होने और निशान भी पड़ता है अगर डीप कट होता है. तो रेस्क्यू रेमेडी इन दिस केस इज वेरी यूजफुल. और अगर आपको ट्रेवल करना है और उसके पहले ही बहुत घबराहट हो रही है और नहीं जाना चाह रहे हैं, कोई इस तरह की प्रॉब्लम होती है, ट्रेन में ट्रेवल करने से पहले की जो एंजाइटी होती है उसको सबसाइड करने के लिए आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं. या इमरजेंसी केस में, एक मैं केस हिस्ट्री है किसी की आपको बताना चाहूंगी, कि
एक बस में कुछ लोग ट्रेवल कर रहे थे, तो उस बस का एक्सीडेंट हुआ, तो बस ड्राइवर को भी बहुत चोट लगी, वो उसके सर से खून निकल रहा था, और पैसेंजर्स को भी चोट लगी। तो उसी बस में एक पैसेंजर जिसको कम चोट लगी थी और वो उसकी जेब में रेस्क्यू रेमेडी की पिल्स थी, तो उसने उस ड्राइवर के मुंह में डाला और जितने लोगों को चोट लगी हुई थी उन सबके मुंह में वो एक 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 पिल डालता चला गया। और थोड़ी ही देर बाद विद इन 10 मिनट्स ड्राइवर की ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और बाकी लोग भी थोड़ा सा होश में आए, मतलब दे वर लूजिंग कंट्रोल। तो वो लोग भी सब, उसके बाद ऑफकोर्स आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अगर एक्सीडेंट हुआ है, तो इट्स नॉट दैट कि रेस्क्यू रेमेडी आपको हील कर देगी, तो जाना तो पड़ेगा ही आपको हॉस्पिटल। लेकिन हॉस्पिटल जाने तक के पहले जो फर्स्ट एड देनी थी, जो आपका मेंटल स्टेटस था वो भी ठीक होगा, और फिजिकली भी वर्क करती है, फिजिकली भी आपके सेल्स जो हैं वो अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्टर बैश ने एक कॉम्बिनेशन बनाया, सब मिलती जुलती रेमिडीज हैं जो एक्सीडेंट के टाइम पे जितने हमारे इमोशंस होते हैं, हम सबके ह्यूमन बीइंग के जितने भी हैं उन सबके वही सेम इमोशंस होते हैं। जैसे कि एकदम से एंजाइटी, एकदम से फियर हो जाता है, एक्सट्रीम फियर हो जाता है, और कुछ लोग पैनिक हो जाते हैं, और कुछ लोग एकदम इम्पेशेंट हो जाते हैं, क्या करें क्या करें, इस समय क्या करना चाहिए हमें, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है, और सम पीपल लूज कंट्रोल, कुछ बेहोश होने लगते हैं। तो ये एक जनरल फिनोमेना है, ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये जनरल हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बैच ने ये रेमेडी तैयार की जो कि बहुत ही बहुत ज्यादा यूजफुल है। और इसीलिए मैं बताना चाह रही हूँ कि सब लोग अगर इसका प्रयोग खुद से करें और अपने घर में रखें तो हर छोटी मोटी कंडीशन के लिए वो यूजफुल रहती है। अब मैं उसके कुछ और भी यूसेज बताना चाहूंगी कि और किस किस जगह पर आप उसको यूज कर सकते हैं व्हेन यू आर एक्सट्रीमली डिस्टर्ब फॉर व्हाटएवर रीजन। किसी भी कारण से अगर आप बहुत डिस्टर्ब महसूस कर रहे हैं, डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, तो आप रेस्क्यू रेमेडी की एक डोज ले सकते हैं। एक डोज मीन्स 4 बूंदे आधी कटोरी पानी में, और या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 1 गिलास पानी में आप 8 बूंदे डाल के अपने पास रख लें और उसको धीरे धीरे सिप करते रहें, तो आपको आराम आ जाएगा। आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, आपको बहुत इंपेशेंस हो रही है किसी कारण से, तो आप रेस्क्यू रेमेडी का प्रयोग कर सकते हैं, उससे आपको आराम आ जाएगा। दैट इज ऑफ कोर्स नॉट ट्रीटमेंट। अगेन आई एम सेइंग कि ट्रीटमेंट के लिए तो आपको अपना पर्सनल कॉम्बिनेशन ही बनवाना चाहिए किसी बैचलर थेरेपिस्ट से, बट अदरवाइज आपको उस समय तो जरूर आराम आ जाएगा। और अगर कोई डिफिकल्ट फेज से आप लाइफ के गुजर रहे हैं, या कुछ लोगों को जैसे पब्लिक स्पीकिंग का भी फियर होता है और उससे एंजाइटी बहुत ज्यादा हो जाती है, कहीं पे आपको बोलना है किसी गैदरिंग में, आपको कुछ भी परफॉर्म करना है कहीं पर, इंटरव्यू जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है, या कोई भी इस प्रकार की सिचुएशन है, तो उसमें आप रेस्क्यू रेमेडी पी करके जा सकते हैं, या अपने साथ एक पानी की बॉटल कैरी करिए, उसमें कुछ रेस्क्यू रेमेडी के ड्रॉप्स डाल लीजिए, तो यू विल परफॉर्म बेटर डेफिनेटली। ये सब मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ किताबों की बात नहीं बता रही हूँ, ये सारी चीजें मैंने खुद एक्सपीरियंस की हैं। और अभी मैं अपनी बात खत्म कर लूँ तो मैं चाहूंगी कि आप लोगों में से भी जिसने भी रेस्क्यू रेमेडी यूज की हो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करे इससे, जिससे कि लोग दूसरे लोगों को भी मालूम हो कि वाकई इससे कितना फायदा होता है। अगर आप बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट पे रह रहे हैं, घर में बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट है, या टेम्परेरीली आप जहाँ गए हैं वहां पर बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी ले सकते हैं। कोई एक्सीडेंट हो गया है, या कोई कोई इंसिडेंट ऐसा घट गया है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, तो उसमें भी आप रेस्क्यू रेमेडी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें यूज कर सकते हैं। अगर जल भी गया है, उंगलियां आपकी जल गई है, या कहीं पे बर्न हो गया है, तो वहां पर भी आप रेस्क्यू रेमेडी जैसे पानी में डाल के आप कट पे लगाते हैं, ऐसे ही आप उस पर भी लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो हम कर सकते हैं एक्सटर्नली, जो कट्स एंड बर्न्स पे लगाते हैं, इसकी इसके लिए हम लोग रेस्क्यू रेमेडी जेल और रेस्क्यू रेमेडी क्रीम भी बनाते हैं, जिसमें हम एक एकाध और मेडिसिन का भी साथ में यूज करते हैं। दैट इज वेरी गुड फॉर द स्किन। तो
तो वो बहुत जल्दी हील होता है, आपके कट्स एंड बर्न्स बहुत ही जल्दी हील होते हैं। इसके अलावा कहीं पे अगर आपके शरीर में दर्द है, टांगों में दर्द रहता है, घुटने में दर्द है, या एल्बो में दर्द है, या कहीं भी और शरीर के किसी भी पार्ट में अगर आपको दर्द हो रहा है, तो भी आप इसी तरह से एक कटोरी पानी, आधी कटोरी पानी में थोड़ी सी ड्रॉप्स डाल के, 8-10 ड्रॉप्स आपने डाली और उसमें कपड़ा भिगा के आप उस प्लेस को लपेट के रखिए, तो वहां पर आपको दर्द में आराम होता है। या आप किसी ऑयल में, जो भी ऑयल जैसे कोकोनट ऑयल में आप थोड़ी सी कुछ बूंद डाल के उसको अप्लाई कर सकते हैं अपने पेन एरिया के ऊपर, लेग्स में पूरा अप्लाई कर सकते हैं, आर्म्स में कर सकते हैं, पीठ में कर सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को दर्द रहता है लोअर बैक में, तो आपको इमिजिएटली आराम आ जाता है। देन इसके अलावा इट्स वेरी इफेक्टिव फॉर मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, पीरियड्स के दिनों में कुछ बच्चों को बहुत क्रैम्प्स आते हैं, पेट के अंदर मरोड़ उठ के दर्द होता है, तो उस केस में आप जो है इसी तरह से पानी की पट्टी बना के, रेस्क्यू रेमेडी में पानी की पट्टी बना के पेट के ऊपर रखेंगे, तो आपको क्रैम्प्स में और पेन्स में दर्द आराम आएगा, अपने जो भी दर्द होंगे उसमें आराम आ जाता है। एग्जाम के, आप कोई एग्जाम दे रहे हैं या किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो लास्ट मोमेंट पे आप उसको एग्जाम से पहले पी करके चले जाएं, तो वहां पर यू विल परफॉर्म बेटर, क्योंकि जब एंग्जाइटी लेवल कम होगा आपका, तो जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने पढ़ा है, वो वहां पर बाहर निकल के आएगा, यू विल परफॉर्म बेटर, यू विल राइट द पेपर बेटर। बस इसमें यही याद रखना है कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है रेस्क्यू रेमेडी, लेकिन कभी भी आपके पेट में बहुत दर्द है, आपके सिर में बहुत दर्द है, तो आप रेस्क्यू रेमेडी पी सकते हैं और साथ में लगा भी सकते हैं, तो इससे आपको आराम आ रहा है टेम्परेरीली उस समय। इवन अगर आपको हार्ट अटैक भी हो रहा है किसी को घर में, तो उस समय उसको रेस्क्यू रेमेडी पिलाएं, और अगर रेस्क्यू रेमेडी वो पीने की सिचुएशन में भी नहीं है, तो उसके पल्स पॉइंट्स पे, जैसे हाथ में यहाँ पर लगा दीजिए आप कलाइयों पर और कान के पीछे, तो पल्स पॉइंट्स पे अगर आप रेस्क्यू रेमेडी लगाते हैं तो वो बेहोश नहीं होगा, एंड यू विल हैव टाइम टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल। ये कोई हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन उस समय आपको समय मिल जाता है कि आप उस पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुंचा सकें, उतना समय आपको वो देता है, क्योंकि बॉडी जो है वो पॉजिटिव रिएक्शंस करने शुरू कर देती है, हार्ट अटैक फर्दर आगे प्रोसीड नहीं करता। एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि रेगुलर बेसिस पे रेस्क्यू रेमेडी को नहीं लेना चाहिए। भाई आपकी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन चल रही है, और अगर सपोज कि 2 महीने से 4 महीने से साल भर से या लाइफ में चल ही रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रेगुलरली रेस्क्यू रेमेडी को लेने लगे। अगर आपको 10-12 दिन से ज्यादा रेस्क्यू रेमेडी की जरूरत महसूस हो रही है, तो दैट मीन्स यू शुड टेक अ ट्रीटमेंट, तब आपको पेशवा का ट्रीटमेंट लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेस्क्यू रेमेडी, क्योंकि वो तो टेम्परेरीली रिलीफ दे रहा है ना आपको, उससे आपको परमानेंट रिलीफ नहीं आने वाला है। और कुछ लोगों को स्पेसिफिकली कुछ पैनिक अटैक्स आते हैं, कोई उनके एंजाइटी लेवल बहुत हाई हो जाता है, या इवन इन एपिलेप्सी के केस में भी जिन लोगों को अटैक्स आते हैं, सीजर्स आते हैं, तो उनको भी फायदा होता है अगर वो पर्सनल बना हुआ इमरजेंसी मिक्स लें। रेस्क्यू रेमेडी से भी आता है, लेकिन अगर वो पर्सनली अपना मिक्स बनवा लें, तो उस समय उनका सीजर का टाइम बहुत कम हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, तो स्पेसिफिक फॉर्मूला आप बनवा सकते हैं। अब मैं चाहूंगी कि आप लोग अनम्यूट करके जो भी बताना चाहे वो अपना एक्सपीरियंस बताएं, जिसने यूज किया हो रेस्क्यू रेमेडी को। रितु आप बताएंगे? हाँ जी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। रेस्क्यू रेमेडी मैंने बहुत बार यूज करी है टाइम टू टाइम, और मुझे हमेशा इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले तो ये कि लास्ट ईयर जब हम लोगों को कोविड हुआ था, तो मैंने सबको, मेरे घर में सबको रेस्क्यू रेमेडी दी थी, और उससे जो बाद का टेंशन था बहुत ज़्यादा कि रिकवरी नहीं हो रही थी, उसमें बहुत हेल्प मिली थी और हम लोगों की रिकवरी बहुत फास्ट हो गई थी। उसके अलावा एक बार और कि मैं बात शेयर करना चाहूँगी कि मेरी डॉटर इन लॉ, वो तब तक डॉटर इन लॉ मेरी हुई नहीं थी, हम लोग कहीं जा रहे थे और उसको रास्ते में बहुत ज़्यादा पेट में दर्द शुरू हुआ। वो मेंस्ट्रुअल क्रैम्स थे उसके, और वो अपनी मेडिसिन अपने साथ नहीं लेके आई थी जो कि वो हमेशा खाती थी। तो जब उसने अपने पास सारे में देख लिया,
कहीं नहीं थी, तो मैंने उसको कहा आई कीप रेस्क्यू रेमेडी ऑलवेज विद मी, खास करके अगर बाहर कहीं जा रहे हैं तो. तो मैंने उसको यही कहा, मैंने कहा तुम इसको ट्राई करके देख लो. और जैसे ही मैंने उसको कप में पानी डाल के 5 बूंद डाल के उसको दी, और 2 सिप लेते ही उसको एकदम से बहुत ज्यादा आराम आ गया. तो ये तो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस हैं. उसके अलावा मेरे माथे पे एक बारी बहुत जोर से चोट लगी थी, तो मैंने यहाँ पे रेस्क्यू जेल लगाया था, और सुबह इतना बड़ा स्कार था, यहाँ पे खुरन जमा हुआ था, और शाम को मुझे एक इवेंट अटेंड करना था, और शाम तक सब गायब हो गया एकदम. तो ये तो मेरे बिल्कुल मिरेकुलस एक्सपीरियंस हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. थैंक यू. वन मोर एक्सपीरियंस वाज देयर आपका, जो आपने कोविड के बाद जो आपके नील पड़ गए थे जहाँ पे वो आपके लगाई गई थी. हाँ वो भी था. मेरे आर्म्स के ऊपर यहाँ पे नील पड़ रहे थे और सूजन आई हुई थी बहुत ज्यादा. थ्रोम्बोसिस काइंड ऑफ, इतने मोटे मोटे बम्प्स बन गए थे. उसके ऊपर मैं रेस्क्यू रेमेडी पानी में मिला के लगाती थी, और उससे वो जो है सूजन भी 2 दिन में खत्म हो गई, और नील भी मैं जब लगाती, एक्चुअली में वो मेरे बार बार आ रहे थे, लेकिन मैं जब लगाती थी तो वो ठीक हो जाते थे, और फिर बाद में फिर रीअपीयर होते थे. तो उसके लिए मुझे फिर फर्दर और ट्रीटमेंट लेना पड़ा, लेकिन वो मेरे हर बार ठीक हो रहे थे. मैं जब भी रेस्क्यू रेमेडी लगा रही थी तो वो नील हमेशा खत्म हो रहे थे, और सूजन तो वो जो रेस्क्यू रेमेडी लगाने से जो सूजन आई थी आईवी लगाने की वजह से, वो तो सारी खत्म हो गई, वो फिर दोबारा नहीं आई. ओके, थैंक यू रितु. और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? यस, हाँ हाँ जी जी, आप करिए, अनम्यूट कर लीजिए. आपको शायद मैंने उसका बताया भी था कि शी विल कॉल यू ना, जसप्रीत करके. अच्छा अच्छा. हाँ, तो वो रखती है अपने पास, और मतलब वो पहले से रख रही थी, कहती है हमारे स्कूल में क्योंकि डिफरेंटली एबल बच्चों का स्कूल है तो उनको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, एंग्जाइटी या कहीं गिर गया कुछ, तो शी सेज इट्स वेरी इफेक्टिव. और हाँ, मेरी एक और फ्रेंड है वो तो अपने पौधों में डाल, हाँ पौधों में, जो उसका पौधा, हाँ उसने मुझे बताया कि जो पौधा मरने लगता है मैं उसमें डाल देती हूँ तो वो ठीक हो जाता है. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी बहुत यूज किया है पौधों के साथ. मैं अभी मुझे ध्यान नहीं रहा पौधों के बारे में बताने के लिए, इवन पेट्स के लिए भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है. हाँ, तो ये तो मतलब, हाँ तो उन लोगों ने बताया, तो वेरी इफेक्टिव. मैं रखती हूँ घर में, पर ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ी अभी तक यूज करने की, बट रखती हूँ मैं रेगुलरली. अर्जुन को तो दी थी तब. अच्छा, किसी को भी जरूरत पड़े तो आप दे सकते हैं, आस पास में भी और कहीं भी. yes, मतलब ये इतनी अच्छी चीज है. yes. और कौन बताना चाहेगा? मुझे लगता है आप लोग बताएंगे तो और इफेक्टिव होगा. मैं शेयर करना चाहती हूँ. हाँ बताइए निशी जी. हाँ, एक बार क्या हुआ, मेरी मदर ने, उनको रेस्क्यू रेमेडी की आदत है, मतलब कोविड टाइम में वो बहुत पैनिक में रहती थी, तो उन्होंने लिया, तो वो रेस्क्यू रेमेडी लिया तो उनको बहुत रिलीफ हुआ. तो एक बार क्या हुआ, उनको हॉस्पिटल जाना पड़ा एडमिट होने, तो उन्होंने, उनको मैंने सोचा कि कह दूं कि रेस्क्यू रेमेडी लिया है कि नहीं, तो पता चला वो रेस्क्यू रेमेडी की बॉटल छुपा के अपने साथ ऑलरेडी ले गई थी. वेरी नाइस ले गई थी वो. हाँ, और दूसरा एक बार उन्होंने मुझे अचानक फोन किया कि उनके पैर पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, और तब तक मुझे एक्सटर्नल यूज पता नहीं था उसका, तो मैंने सोचा क्या करूं. फिर मैंने पूछा आपके पास कोई क्रीम है? बोली हाँ. तो मैंने कहा रेस्क्यू रेमेडी है? बोली हाँ. तो फिर मैंने कहा आप क्रीम में रेस्क्यू, क्योंकि तब मैंने उस समय उनको ये ट्रीटमेंट दिया था बिकॉज ऑफ साइकोलॉजिकल रीजंस कि वो लगाएंगे तो उनको हो जाएगा, तो उन्होंने उसमें कहते हैं क्रीम में रेस्क्यू रेमेडी लगाई, और उसके बाद लगाने के 5 मिनट बाद बोली थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है. और उसके बाद अब ये हाल है कि वो हमारे घर में कोई रेस्क्यू रेमेडी की बॉटल टिकती नहीं है. वो कंटिन्यूअसली लगाती है, लगा लेती है. हाँ, उनको कहीं भी पेन हुआ वो रेस्क्यू रेमेडी लेके ऑयल में लेके लगा लेती है, मतलब वो उसके बगैर जीती नहीं है. इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ अवर लाइफ.
तो हमारे घर में बच्चे वगैरह जितने भी, सबको पता है रेस्क्यू रेमेडी, रेस्क्यू रेमेडी ले लो। ये दिस इज व्हाट आई वांट फॉर एवरीवन एक्चुअली, कि सबको इस चीज का पता हो तो सब लोग अपनी इमरजेंसी सिचुएशन को इतनी अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। मतलब मेरी डॉटर इन लॉ, जब मैंने बाक्ला रेमेडी की किट मंगवाई थी तो डॉटर इन लॉ को मैंने एक किट भेज दी थी, क्योंकि मुझे सीखे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, पर फिर भी मैंने किट भेज दी थी क्योंकि कोविड टाइम चल रहा था, उसी के बाद कोविड टाइम आया था। तो अच्छा। उसने इतना सेव किया हम लोग को, बहुत सेव किया, मतलब हमारे घर में किसी को भी कोविड हुआ ही नहीं, सब लोग रेस्क्यू रेमेडी वॉलनट वगैरह ले रहे थे, किसी को भी। वेरी नाइस, थैंक यू, थैंक यू। एक ये मैं इसके लिए एक्ने के लिए भी बताना चाहूंगी कि जब लड़कियों को बहुत एक्ने होता है यंग एज में, उसके ऊपर अगर वो रेस्क्यू जेल लगाएंगी तो वो एकदम से सबसाइड हो जाते हैं एक्ने, और स्कार भी नहीं छोड़ते हैं। ये मेरा पर्सनल आजमाया हुआ है मेरी डॉटर इन लॉ के ऊपर ही, उसके बहुत एक्ने वेडिंग के बाद, उसको इतना ज्यादा मेकअप की वजह से एक्ने शुरू हो गया था, और उसने सिर्फ ये रेस्क्यू जेल लगाया और उसका सब एक्ने एकदम, सुबह लगाती थी शाम तक दब जाता था और बिना स्कार के गायब हो जाता। वेरी नाइस, नाइस एक्सपीरियंस। तो आप लोगों को धीरे धीरे बहुत सारे इसके यूजेज पता चल रहे हैं, एंड यू कैन डिस्कवर योर सेल्फ, कोई भी सिचुएशन में अगर आप इसको यूज करेंगे तो उसकी इफेक्टिवनेस को आप डेफिनेटली एक्सपीरियंस करेंगे। और एक जो कि मेरा अपना नहीं है, पर मैं YouTube वीडियो देख रही थी तो उसमें आया था, तो उसने काफी पेट डेवलप किया था। वो बोल रहे थे कि एक मीटिंग में सब लोग थे तो किसी को हार्ट अटैक पड़ा, तो उसको पता रेस्क्यू रेमेडी, तो उन लोगों ने रेस्क्यू रेमेडी उसके मुंह में डाल दिया। तो जब वो हॉस्पिटलाइज होने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा आप लोगों ने इनको क्या दिया था, इनको मेजर हार्ट अटैक हुआ है बट नो ऑर्गन डैमेज। हाँ देखिए, जो मैं हार्ट अटैक वाली बात बता रही थी वो इन्होंने डिटो कर दिया उसको, कि वो कितना इफेक्टिव उस केस में रहा। हाँ। तो इस तरह से आप बहुत सारे यूजेज और अपने आप कर सकते हैं। तो एक हमारी आंटी थी यहीं पर जहां मैं रहती हूँ, वो काफी ज्यादा बीमार थी, तो उनके बच्चे जो हैं वो सब दुबई में थे, तो उनके डॉक्टर इन लॉ उनको लेने के लिए आई, बट शी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव द हाउस, जो यहाँ पर उनका हाउस था, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी पर वो उस घर को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। तो वो लेने के लिए आई तो वो उन्होंने बहुत रेजिस्ट कर रही थी, मना कर रही थी और बहुत ज्यादा रो रही थी कि मैं नहीं जाऊंगी। और आफ्टरनून में उनकी फ्लाइट थी और हमारे यहाँ ही उनका लंच था, बीच में के लंच करके हम आपको एयरपोर्ट ड्रॉप कर देंगे। तो बहुत ज्यादा रो रही थी, जब मैं सुबह 10-11 बजे गई कि आपकी पैकिंग वैकिंग हो गई है सब ठीक है, तो शी वॉज क्राइंग, और उनके डॉटर इन लॉ भी रोने लगी कि मैं इतनी दूर से इनको लेने के लिए आई हूँ और ये मेरे साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, तो क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा आप रुकिए, मैं जल्दी से घर जाके रेस्क्यू रेमेडी लेके आई और उनको मैंने ऐसे ही पानी में डाल के एक गिलास में उनको कहा आप सिप करिए। 2-3 घंटे बाद वो हमारे यहाँ आने ही वाले थे, तो मैंने कहा अनुजा तुम ये देती रहना इनको जब तक। तो जब वो लोग 1:00, ये मैंने उनको दिया है 11 के आसपास, और 1:00 व्हेन दे रीच टू हर हाउस, तो वो बिल्कुल दोनों हंस रही थी। फिर जब उनको थोड़ा सा आराम आया तो अनुजा ने पूछा कि आप ये बताइए कि मेरे को भी बहुत बेचैनी हो रही है, मैं क्या करूं। मैंने कहा तुम भी वही पी लो, उसी में डाल के तुम भी दवा ले लो। तो दोनों जने इतना हंसते हुए आए वो लोग और खूब अच्छे से उन्होंने लंच किया और उसके बाद हम लोग छोड़ के आए। तो मतलब उनका कितना इमोशनल इम्बैलेंस उस वक्त दोनों का ही हो रहा था, दोनों बहुत ज्यादा परेशान थी, लेकिन 1-2 घंटे के अंदर वो दोनों बहुत ठीक हो गई और बहुत अच्छी तरह से फिर उसके बाद वो खुशी खुशी चले गए। तो एक और किसी के यहाँ जैसे नेबर्स के साथ कुछ लड़ाई हो जाती है, कुछ परेशान करते हैं, तो मेरे को किसी का फोन आया कि आप आइए जरा कुछ परेशानी है, तो मैं गई वहां पर, तो उनकी वाइफ बहुत परेशान हो रही थी कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, इनकी तबीयत खराब हो जाती है, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा रुकिए मैं रेस्क्यू रेमेडी देती हूँ, उनको रेस्क्यू रेमेडी दी दोनों को। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान थे, उनका गैराज किसी ने तोड़वा दिया था, गाड़ियां बाहर खड़ी थी, तो वो लोग काफी ज्यादा परेशान थे और नेबर्स बहुत परेशान कर रहे थे।
तो इमीडिएटली उनको आराम आया। और वो दिन का दिन है कि अब उन्होंने उसके बाद जाने कितनी बार मुझसे उसका पूछा और ये कहाँ मिलेगी कैसे है, बहुत लोगों को उन्होंने दी, उसके बाद उन्होंने बहुत प्रमोट किया रेस्क्यू रेमेडी को सब जगह, क्योंकि उन्हें इतना आराम आया था तो वो सबको। इवन अगर कहीं मुझे किसी की डेथ की खबर मिलती है तो मैं वहां भी लेकर के जाती हूँ और उस फैमिली को पूरा मैं रेस्क्यू रेमेडी पिला देती हूँ जाके सबसे पहले कि चलो ये लोग थोड़ा सा शांत हो, अब जो हो गया है वो तो हो गया है लेकिन यू हैव टू एडजस्ट। तो इस तरह की सिचुएशंस में भी बहुत ज्यादा काम करती है मैम। इसको हम नी पेन के लिए भी यूज कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं, नी पेन के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, उस समय आराम आ जाएगा आपको। अच्छा तो रेगुलर हम कितना दिन ले सकते हैं? ले तो आप सकते हैं लेकिन मैंने बताया आपको जैसे कि वो ट्रीटमेंट नहीं है, आपको वो दर्द में आराम आ जाएगा उस एट दैट मोमेंट, तो आप 10-15 दिन तक लगा लीजिए उसको, पी लीजिए। लेकिन अगर आपको पूरी तरह से उसका करना है तो आपको ट्रीटमेंट लेना होगा, या तो एरोमा के थ्रू, एरोमा में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं और बैचलर में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, घुटने के दर्द के बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन आपको वो रेगुलर लेना पड़ेगा ट्रीटमेंट। मतलब कम से कम 5-6 महीने आप ट्रीटमेंट लीजिए तो आपको कुछ मतलब सब आराम, तो शुरू से ही आपको 10-15 दिन में आराम दिखना शुरू हो जाएगा, लेकिन फिर सब्सटेंशियल रिलीफ के लिए आपको लेना पड़ेगा लंबे समय तक, आपकी मुझे मालूम है। तो ये मैम हाई बीपी में भी यूज कर सकते हैं, कभी हाई बीपी है अगर तो हम रेस्क्यू लेंगे तो आराम पड़ेगा हमें? हाँ पड़ेगा, उसी समय पड़ेगा, वही है कि ट्रीटमेंट हाँ। नहीं है लेकिन हाँ बहुत हाई बीपी है तो आपकी बेचैनी कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर भी थोड़ा सा कम हो जाएगा, हो सकता है। ओके। मतलब देखिए हर किसी का बॉडी अलग अलग तरह से रिएक्ट करता है तो इसलिए। ओके मैम थैंक यू। अगर आप लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा देखिए तभी बातचीत करने में अच्छा लगता है, और मैं भी आपको ज्यादा चीजें, ज्यादा बातें निकलेंगी तो मैं आपको ज्यादा चीजें बता सकती हूँ, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है। किन प्रॉब्लम्स में क्या करेगा? हेलो, किन प्रॉब्लम्स में इफेक्टिव है? हर प्रॉब्लम्स में, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है। आपने लेट ज्वाइन किया था क्या? हाँ तो मैं बता चुकी हूँ, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई कोई भी एक्सीडेंट हुआ है तो उस केस में भी ये ब्लड को भी रोकता है, जो आपका अगर एक्सेसिव ब्लड बह रहा है तो उसको भी रोकता है, और आपकी जो बेचैनी घबराहट होती है, पैनिक हो जाता है, उसको भी रोकता है, और अगर कोई बेहोशी में जा रहा है तो उसको भी ठीक करता है, और अगर किसी को हार्ट अटैक हो रहा है तो प्रोग्रेसिव है तो उसको भी स्टॉप करता है, और यू कैन, आपको इतना समय मिल जाता है कि आप उस पर्सन को हॉस्पिटल तक ले जा पाए। सीजर्स जिसको आते हैं, एपिलेप्टिक अटैक्स आते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन है, जब आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, उस समय आप ले सकते हैं। किसी ने पूछा है यहाँ चैट में कि कितने ड्रॉप लें, तो ड्रॉप्स तो आपकी 4 ड्रॉप्स की डोज होती है, एक डोज जो है वो 4 ड्रॉप्स की होती है, लेकिन जैसे आप इस तरह भी कर सकते हैं कि 8 ड्रॉप्स एक गिलास पानी में डाल के रख लें और उसे धीरे धीरे सिप करते रहें, और जब भी आप सिप करें तो थोड़ी सी देर मुंह में रखें, उसको मुंह में चारों ओर घुमा के तब आप उसको इंजेस्ट करें। उससे ये लाभ होता है कि आपके माउथ की जो स्किन है वो उन वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती है। हमारी ये वाइब्रेशनल मेडिसिन हैं, तो वाइब्रेशंस आपके अंदर जाती हैं और वो वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करती है। अगर सीधे आपने जो कुछ बड़े बड़े घूंट भर के आपने पूरा गिलास पानी पी लिया तो सीधे जो भी आपने लिया वो डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, तो फिर वो वाइब्रेशन का इफेक्ट उतना नहीं आ पाता है। इसमें डोज उतना काउंट नहीं करती है, बैचलर थेरेपी में डोजेस उतना काउंट नहीं करती है जितना फ्रीक्वेंसी काउंट करती है। आपने एक एक ड्रॉप भी अगर ले ली 10-10 मिनट पे, 15-15 मिनट पे, तो वो बेटर है देन टेकिंग एट अ स्ट्रेच एक गिलास भर के आप पानी पीके। नीरज आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं मैं सुन रही हूँ आपको, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के ही। नहीं आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये
इसके रेस्क्यू रेमेडी के अलावा भी अगर हम कोई रेमेडी ले रहे हैं तो उसमें भी यही प्रोसेस एप्लीकेबल होता है कि घूट घूट करके ही पिए? नहीं, वो तो मैं जब कोई आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसमें मैंने बताया होगा आपको कि कौन सी रेमेडी किस तरह से लेनी है, लेकिन जो एक डोज भी आप ले रहे हैं, सपोज दिन में चार बार आपको रेमेडी लेनी है, तो वो आपने आधा प्याला पानी में कुछ बूंदें डाली हैं तो उसको भी आप थोड़ी देर मुंह में रखें जब भी आप पिए, तो ये नहीं कि एक सांस में पी लिया, वो चीज तो फॉलो करना चाहिए कि थोड़ी सी देर। यही क्लियरिटी नहीं थी। थैंक यू। और आपको कितना आराम है आप कुछ बताएंगे? हाँ, मुझे सोरायसिस में तो देखिए काफी